के भाषण पे जहां पे वो संबोधित कर रहे हैं। आज अनेक नए इंटरफेस तैयार किए जा रहे हैं, बायरेक जैसे प्लेटफॉर्म्स को सशक्त किया जा रहा है, स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप इंडिया अभियान हो, स्पेस सेक्टर के लिए इन स्पेस हो, डिफेंस स्टार्टअप के लिए आईडेक्स हो, सेमीकंडक्टर्स के लिए इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन हो, युवाओं में इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन हो, ये बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो हो, सबसे प्रयास की भावना को बढ़ाते हुए नए संस्थानों के माध्यम से सरकार इंडस्ट्री के बेस्ट माइंड्स को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर ला रही है। इसका देश को एक और बड़ा फायदा हो रहा है, रिसर्च और एकेडमिक, इससे देश को नए ब्रेक थ्रू मिलते हैं। जो रियल वर्ल्ड व्यू होता है उसमें इंडस्ट्री सहायता करती है और सरकार जरूरी पॉलिसी एनवायरनमेंट और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराती है। साथियों, हमने कोविड के पूरे कालखंड में देखा है कि जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो कैसे कम समय में अप्रत्याशित परिणाम आते हैं। आवश्यक मेडिकल डिवाइस, मेडिकल इंफ्रा से लेकर वैक्सीन रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग और वैक्सीनेशन तक भारत ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। तब देश में भांति भांति के सवाल उठ रहे थे, टेस्टिंग लैब नहीं है तो जांच कैसे होगी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स और प्राइवेट सेक्टर के बीच कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, भारत को कब वैक्सीन मिलेगी, वैक्सीन मिल भी गई तो इतने बड़े देश में सबको वैक्सीन लगाने में कितने साल लग जाएंगे, ऐसे अनेक सवाल हमारे सामने बार बार आए। लेकिन आज सबका प्रयास की ताकत से भारत ने सारी आशंकाओं का उत्तर दे दिया है। हम लगभग 200 करोड़ वैक्सीन डोज देशवासियों को लगा चुके हैं। बायोटेक से लेकर तमाम दूसरे सेक्टर्स का तालमेल सरकार, इंडस्ट्री और एकेडेमिया का तालमेल भारत को बड़े संकट से बाहर निकाल लाया है। साथियों, बायोटेक सेक्टर सबसे अधिक डिमांड ड्रिवन सेक्टर में से एक है। बीते वर्षों में भारत में ईज ऑफ लिविंग के लिए जो अभियान चले हैं उन्होंने बायोटेक सेक्टर के लिए नई संभावनाएं बना दी हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत गांव और गरीब के लिए जिस प्रकार इलाज को सस्ता और सुलभ किया गया है उससे हेल्थ केयर सेक्टर की डिमांड बहुत अधिक बढ़ रही है। तो ये थे प्रधानमंत्री का संबोधन, जो कि बायोटेक स्टार्टअप जो है वहाँ पे वो घोषणा कर रहे हैं किस तरीके से बायोटेक इंडस्ट्री भारत में बढ़ती हुई देख